अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम इकबाल रेस्टोरेंट के बिल्कुल साथ हैं और आज इकबाल रेस्टोरेंट जो है वो आप देख रही हैं वो बिल्कुल ख़राब हो गए हैं। और ये बिलाल मस्जिद है, साथ ये संगम रेस्टोरेंट है और इसके साथ साथ कोहिस्तान कॉन्टिनेंटल। और इसके साथ आपको बताते चले, ये बहरीन के सबसे खूबसूरत बाज़ार हुआ करता था, जहाँ इनका मिसाल बर्मिंगम और यूके के उस पे शुमार बाज़ारों में शुमार होते थे। और आज ये आप देख रही हैं कि यहाँ पानी हर होटल के दरवाजे पे जो है पहुँच चुके हैं और पूरा मार्केट का हुलिया ख़राब कर दिया गया है। जी नाज़रीन, इस वक्त आप देख रही हैं बहरीन बाज़ार, जो कि स्टील ब्रिज से लेके एंड ऑफ द लिबर्टी होटल से भी आगे पुराने पेट्रोल पम्प तक हर किस्म रहने सहने के लिए नाकाबिली करार दिया गया है। और यकीनन ये तेज़ दरिया जो आप देख रही हैं, ये कालाम दरिया नहीं है बल्कि कालाम बहरीन बाज़ार है। बहरीन बाज़ार का जो रोड है, जो कि खूबसूरत रात को लेटिंग की वजह से काफ़ी मशहूर था, आज वो बिल्कुल वीरान पड़ी है। और यकीनन यहाँ आप देखते हैं कि दूसरी मंजिल तक जो है पानी होटलों में पहुँच चुका था, लेकिन अब हालांकि हालात जो है वो मामूल के मुताबिक आना शुरू होंगे, लेकिन एक्सेस न होने की वजह से, ब्रिजेस न होने की वजह से यहाँ जो इमदादी कार्रवाई है वो अब तक मुअत्तल हैं। और बहरीन मेन ब्रिज जो है वो बहाल होने के बाद एक बार फिर आगे की तरफ रोड की बहाली के लिए इंशाल्लाह मशीनरी जाएंगे। और इस वक्त आप देख रहे हैं रेड जोन करार दिया गया है और यहाँ आप देख रहे हैं उनको बंद कर रहे हैं ताकि यहाँ ज़्यादा लोग नहीं आए, लेकिन काफ़ी तादाद में जो है मदीन बहरीन खाज़ाखीला और इस तरह मर्दान से ऊपर इलाके जो हैं वो लोग कलाम या बहरीन जो उनके अपने दोस्त रिश्तेदार हैं उनकी जान हालने के लिए इस वक्त वो बहरीन बाज़ार में एक कसीर तादाद में पहुँचे हैं। और हर कोई सबसे पहले इकबाल होटल पर जाते हैं क्योंकि इकबाल होटल से हर तीसरे बंदे ने जो है खाना खाया है। और यकीनन इस वक्त संगम होटल है जहां हम बारबेक्यू जो रेस्टोरेंट था वो आप देख रहे हैं, वहां तो सारा का सारा जो है ख़राब हो गया। बाबा वाई ख़राब हो गया, रेत के ढेर बन चुके हैं। जी